हेलो एवरीवन, वेलकम टू शुभम भगत यूट्यूब चैनल। मैं हूँ शुभम और इस रूम में हम लोग बात करने वाले हैं आईसर भोपाल ऑनलाइन समर इंटर्नशिप प्रोग्राम के बारे में। तो इस वीडियो में मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इम्पॉर्टेंट डेट, एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे फिल करना है स्टेप वाइज बताऊँगा। आप अगर आईसर का कैंडिडेट हैं या नॉन आईसर का कैंडिडेट हैं उसके बारे में बताऊँगा, ठीक है। क्या कुछ डूज एंड डोंट्स के बारे में बताऊंगा, तो वीडियो को तो आप अंत तक देखिएगा, ठीक है। वीडियो को अंत तक देखिएगा। बेसिकली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आप देखा जाए तो आप सेकेंड, थर्ड या फोर्थ ईयर में आप अगर हो, आप बीएससी कर रहे हो या बीटेक कर रहे हो, ठीक है, तब आप इसके लिए एलिजिबल हो। फर्स्ट ईयर एमएससी एमटेक में आप अगर हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। और एप्लीकेशंस मैं जो लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, उसमें आप लिंक पे क्लिक करके आप जो ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाना, ठीक है। सबसे पहले आपको रजिस्टर करना होगा, रजिस्टर प्रोसेस में कुछ टाइम बता रहा हूँ। और इम्पोर्टेंट डेट जो है 1 से 10 मई तक चलेगा और इसका रिजल्ट जब भी डिक्लेयर किया जाएगा तो ऑफिशियल वेबसाइट में आपका दिखा दिया जाएगा, कि मतलब ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाएगा। जैसे कि कुछ टाइम पहले और भी कई सारे समर इंटर्नशिप प्रोग्राम का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था, तो मैं आपको नोटिफाई कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब अपना इंस्टीट्यूट का अगर फैकल्टी के बारे में जानना चाहते हो तो आप इंस्टीट्यूट का जो वेब पेज है उसमें आप जाके विजिट कर सकते हो। और टोटल ड्यूरेशन इसका है 4 से 8 हफ्ता, ठीक है, मई 25 से जुलाई 25 तक चलेगा। और सिलेक्शन कैसे आपका किया जाएगा, जो भी आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस होगा, राइट आप जो भी आप लिखोगे सबमिट के समय, ठीक है, मैं जब फॉर्म फिलअप के टाइम आप जब लिखोगे उसी बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। एंड अदर डिटेल्स में देखा जाए तो आपका जैसे कि कब से स्टार्ट होगा, थर्ड वीक ऑफ मई को जो है वेबसाइट में आपका डिस्प्ले हो जाएगा, जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होगा हो जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड वीक ऑफ मई को बता दिया जाएगा कि आप सिलेक्टेड हो या नहीं हो। नो फाइनेंशियल असिस्टेंट विल प्रोवाइड, कोई भी फेलोशिप या कुछ भी नहीं दिया जाएगा, कोई भी हॉस्टल प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। आप अगर कभी भी चाहते हो कि आईसर का कैंपस में विजिट करना, ठीक है, तो आप नहीं कर सकते। आफ्टर सक्सेसफुल कंपटीशंस के बाद जो है आपको फैकल्टी इंचार्ज की तरफ से आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। कुछ भी क्वारीज है तो आप aa.iisserp.ac पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और कोई भी क्वेश्चन है तो आप ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर सकते हो, ठीक है। और मीन्स यही था मैं आपको। अब अगर ऐसा कुछ मत करना कि आप मतलब सर को कुछ मेल, जो अपने सर होंगे आपका, उनको ऐसा कुछ अननेसेसरी मेल नहीं भेजना, ठीक है। और इसे बताना था कि इसका आप दो टॉपिक में इन फॉर्म को वहाँ पर ऑप्शन रहेगा, ठीक है, तो आप दो में से दोनों कर देना, एक में अगर ना हो तो अड़क में हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट प्रेफरेंस एंड सेकंड प्रेफरेंस का ऑप्शन रहेगा। तो मैं अब फॉर्म को फिलअप करके दिखा रहा हूँ। मैं जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, उस लिंक पे आप जब क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस होगा। उसमें आने के बाद न्यू स्टूडेंट डिस्क्रिप्शन में आपको क्लिक करना है। देन आपको जो है फुल नेम, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर डालना है, और मेल फीमेल जो भी हो। उसके बाद आपका मेल आईडी पे आपको अपना मेल आईडी दिखाएगा और आपको एक पासवर्ड दिखाएगा, ठीक है, उसके थ्रू आप लॉगिन करना। तो मैं क्लिक हियर टू लॉगिन में कर रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले से इसको रजिस्टर कर रखा है। आप जब भी लॉगिन कीजिएगा तो लॉगिन करने के बाद आपको पूछा जाएगा कि आप IISER का स्टूडेंट हो या नहीं हो। अगर हो तो पहले में क्लिक करना इसमें, अगर नहीं हो तो इसमें क्लिक करना, ठीक है। तो मैं आपको इसको अप्लाई करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आप जो भी डिग्री परस्यू कर रहे हो उसका नाम लिखना, सब्जेक्ट लिखना, ईयर क्या है, कब से कब तक चलेगा, ठीक है। अगर आपने 2018 में स्टार्ट किया है और आपका एंड होने को है 2021 में, तो इसको लिख सकते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने दिया। और इस फाइल में जाके आप अपना फ़ोटो को सिलेक्ट कर सकते हो। और डिपार्टमेंट ऑप्शंस एक जो भी है, मैं यहाँ पे फिजिक्स के आपको सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। फैकल्टी नेम अपने आप आ जाएगा, प्रोजेक्ट का जो भी है, प्रोजेक्ट जो भी ऑप्शंस रहेगा उसको ही आपको लेना होगा। प्रोजेक्ट डेट इंटर्नशिप प्रोग्राम में आप इसको लिख सकते हो, जो भी डेट इसको देना चाहते हो, ठीक है, कब से कब तक, तो इसको आप जो भी चाहो उसको लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट जो है अपने आप लिखा आएगा, ठीक है। तो इसके बाद अवेलेबल ऑप्शंस एक है और ड्यूरेशन 8 हफ्ते, दूसरा ऑप्शन भी आप सेम प्रोसेस से सिलेक्ट करना। उसके बाद जो है ये तो गया, उसका सी वी अपना अपलोड करना, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और कंप्लीट एड्रेस, मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर अगर पैरेंट का है, ईमेल आईडी देना, मेल फीमेल जो भी हो, और यूजी में क्या मार्क्स था, यूजी में क्या मार्क्स था, पीजी में क्या मार्क्स था,
तो उसमें सबसे पहले आपका यूजी, कॉलेज स्कूल्स का नाम क्या था आपका कॉलेज, और यूनिवर्सिटीज़ का नाम क्या है, कौन सा यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, ईयर क्या है, क्लास क्या है, मार्क्स कितना पाया है आपने, रैंक किया था आपका क्लास पे, और सब्जेक्ट क्या था, ठीक है, और एरिया ऑफ रिसर्च इंटरेस्ट को आप फिल करना तो हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगता है तो लाइक कर देना, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।